हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू सिंगल पॉइंट। सो दोस्तों, क्या आप भी लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं अपने मोबाइल से? और क्या आप फ्री फायर, पबजी, सीओडी जैसे गेम खेलते हैं और उन्हें लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं फेसबुक, यूट्यूब और किसी भी प्लेटफॉर्म पे? तो हम आपके लिए एक शानदार एप्लीकेशन लाए हैं जिसका यूज़ करके आप इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और अपने वॉच आवर्स बढ़ा सकते हैं। और आपको तो पता ही है, आजकल के लोग YouTube और अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लाखों कमा रहे हैं और आप सभी भी कमा सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। चलिए हम सबसे पहले YouTube ऐप से डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम करने का ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको शो करता है कि योर चैनल डज नॉट मीट और अपडेटेड एलिजिबिलिटी। सो इसका मतलब है कि हमारे 1K सब्सक्राइबर नहीं है तो हम मोबाइल से लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप से कर सकते हैं। तो मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्या करें? तो अब हमें सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और टाइप करना है टर्निप। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन का रेटिंग भी 4.4 है, जो कि अच्छा है। अब आपको जस्ट इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन होते ही आपको इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सेटअप स्ट्रीम का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पबजी मोबाइल, सीओडी, फ्री फायर और भी गेम के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो मेरे मोबाइल में पहले से फ्री फायर इंस्टॉल है तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ जो लाइव स्ट्रीम करते समय आपका टाइटल होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने फ्री फायर लाइव स्ट्रीम करके टाइप कर दिया और आपको यही टाइटल यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हैं और आप अपने पेटीएम, जीपे का नंबर भी डाल सकते हैं और आप अपने हिसाब से कुछ भी डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद आपको थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अच्छा सा थंबनेल सेट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपने क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप 720p रखना, जिससे आपका मोबाइल डेटा कम यूज़ होगा। यहाँ से आप स्ट्रीम पब्लिक और प्राइवेट रखना है तो यहाँ से सेट कर देना। पब्लिक के लिए प्राइवेट स्ट्रीम ऑफ रखना है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि स्ट्रीम ऑन, अगर आपको यूट्यूब पे स्ट्रीम करना है या किसी और पे। मुझे यूट्यूब पे करना है तो मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मुझे ईमेल आईडी शो करेगा। मैं उसी मेल आईडी पे क्लिक करूँगा जिस पे मुझे लाइव स्ट्रीम करना है। आपके मेल आईडी को क्लिक करते ही आपका मेल लिंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी अलाउ ऑप्शन मांगेगा अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको फेस कैम के साथ लाइव करना है, इसको क्लिक करके और आप फेस के साथ लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। अगर आपको माइक ऑफ करना है, यहाँ से आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आप ओवरले सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ओवरलेस के ऑप्शन शो करते हैं, जहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट लिंक, जीपे और पेटीएम का नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपने अपना ओवरले बनाया है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके उसे सेट कर सकते हैं। यह सब होने के बाद आपको स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है। अब आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और अब आपको क्लिक हियर टू स्टार्ट स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।